मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात गौरवपथ स्थित ओम शांति चौक के किनारे स्थित एसबीआई के एटीएम में चोरों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया, जिसमें कामयाब नहीं होने पर चोरों ने एटीएम में तोड़फोड़ की। छावनी पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी है। शहर के एटीएम सेंटर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के प्रयासों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को दुर्ग पुलिस द्वारा एटीएम में चोरी करने का प्रयास कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। अब बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात वैशाली नगर गौरव पथ स्थित ओम शांति चौक के किनारे बने एसबीआई के एटीएम में अज्ञात तत्वों ने चोरी करने का प्रयास किया, जिसमें वे कामयाब नहीं हो सके, लेकिन एटीएम को चोरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह मामले की जानकारी मिलने पर एटीएम के केयर टेकर ने छावनी थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद छावनी पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। एटीएम से लगी दुकान के संचालक राकेश अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में भी इस एटीएम में चोरी के प्रयास की घटना हो चुकी है, जिसके आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके हैं। यहां रात्रि में पुलिस गश्त का अभाव रहता है और ओम शांति चौक के किनारे नशाखोरी करने वालों का जमावड़ा बने रहता है। एटीएम में कल बीती रात चोरी का प्रयास किया गया था इसमें, और पहले भी कई बार इसमें तोड़फोड़ अगर चोरी का प्रयास हो चुका है। एटीएम में आए दिन इस एटीएम में चोरी का प्रयास होते रहता है, इस कारण पुलिस आके अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करती है। इस कारण यहाँ पर गार्ड का बहुत जरूरत है, जो कि बैंक के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कई बार मांग करने के बाद अभाव बना रहता है, यहाँ पर अभावड़ा रहता है। इस एटीएम में गार्ड का सख्त जरूरत है, लेकिन बैंक वाले को कई बार बोलने के बाद भी यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस संबंध में छावनी थाना प्रभारी सोनल ग्वाल ने कहा कि अज्ञात आरोपियों ने एटीएम में चोरी के प्रयास करने की घटना को अंजाम दिया है। मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जी, कल एक घटना सामने आई है, जो शांति चौक के वहाँ पर एसबीआई का एटीएम है, वहाँ से चोरी का प्रयास किया गया है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा। संदेही के जो फुटेज और उससे जो आसपास की जो जानकारी से हो लिया है, उसके हिसाब से उनकी तलाश जारी है। मामले में तत्काल एफआईआर लिया गया है उत्तम कुमार झा सुपरवाइजर की ओर से, और आसपास के जो संदिग्ध हैं, फुटेजेस हैं, उनके आधार पर शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। संबंध में काफ़ी सारे एटीएम्स हैं जिनमें गार्ड नहीं है। उप संबंध में हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी आदेश जारी किया गया है। संबंधित सभी बैंकों को हम लोग पत्र जारी कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने हेतु हिदायत दी गई। इसमें गौरतलब है कि गौरवपथ ओम शांति चौक के किनारे स्थित एसबीआई के एटीएम में सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं की गई है, न ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैंक के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें एटीएम की सुरक्षा को लेकर गार्ड तैनात करने और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस प्रशासन के इस आदेश की बैंक अधिकारियों ने अवहेलना की। एसबीआई के इस एटीएम में दूसरी बार चोरी करने के प्रयास की घटना को अंजाम दिया गया है। देखना होगा आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।